तो चेस्ट पे आपका प्रॉपर साइज नहीं आता, आप बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत महीनों से कर रहे हैं, पूरा वर्कआउट भी करते हैं, स्टिल आपकी चेस्ट उतना ग्रो नहीं करती। मेजर चार मिस्टेक्स है जो आप करते हैं, ये चारों भी हो सकती है, कोई एक या दो भी हो सकती है इसमें से। नंबर वन है पार्शियल रैप लगाते हैं आप। क्यों पार्शियल रैप? मतलब रेंज ऑफ मूवमेंट आपका कम रहेगा, आपका मसल ग्रोथ कम होगा। फुल रेंज में मूवमेंट करें, कोई भी एक्सरसाइज हो, खासतौर से चेस्ट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो हर रैप आपकी चेस्ट पे टच होगी, फिर आपने उठाना वेट को। अगर पार्शियल रैप कभी करना भी है तो आप एक ब्लॉक यूज करें ताकि आपको पता रहे मुझे रुकना कहाँ नीचे जाके। बिना ब्लॉक के तो आपको पता ही नहीं होगा ना आप कहाँ तक जाना आपने, आप हर रैप में कन्फ्यूज रहेंगे आप। नंबर टू, आपका जो फिनिशिंग रैप है ना, जो लास्ट रैप है, वो बहुत टफ नहीं होता। आपने अपनी गिनती पूरी करके, जैसे 10 या 12 रैप का आपका टारगेट है, वही 10 या 12 रैप आपने पूरा कर दिया। लोड उतना रखा नहीं कि आपके 12वां रैप फेलियर रैप के नजदीक हो। आप क्या करते हैं, जैसे आपकी स्ट्रेंथ 100 किलो लगाने की, 100 के 10 रैप लगाने की, तो आप 70 से शुरू हो जाएंगे, 70 के 10, 80 के 10, 90 के 10, 100 के 10। भाई जब आप 100 के 10 लगा सकते हो, 70 के 10 तो किसी काम की है ही नहीं ना। आप 70-80 को अपना वार्म अप सेट रखें, 90 में पूरे रैप लगाएं, 14-15 जितने भी आए, फिर 100 के 3 सेट और लगाएं जितने रैप आपके आते हैं। लास्ट रैप जैसे इस वीडियो में दिखाया ना, इस लेवल तक टफ होना चाहिए आपका। अगर ये इजी लगा के रख दिया आपने, जैसे ये दिखाया, तो किसी काम का सेट नहीं है आपका। तो मोस्टली आप देखना आपके वर्कआउट में आप एक ही सेट लगा के जाते हैं रोज, जो आपका लास्ट सेट होता है ना, बस वही वर्किंग होता है, बाकी वो मैं आपने पूरे रैप ही नहीं लगाए जहां तक लगा सकते थे आप। नंबर तीन, आपकी रेपिटेशन की टेक्निक। ये इतना स्पीड से क्यों भाग रहे हैं आप, किस लिए? रेपिटेशन को, लोड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखें। जैसे ये दिखाया है मैंने, स्लो नेगेटिव रैप, पॉजिटिव रैप में थोड़ा स्पीड से पुश करें अपने आप को, लेकिन मसल को पकड़ के जाएं, फेंकना नहीं है वेट को, वेट को हमेशा लेके जाना अपने कंट्रोल में, और अपने कंट्रोल में उतारना है वेट को। और चौथा आपका ग्रिप स्टांस पे, बहुत आप पूछते हैं कितना वाइड पकड़े। देखो ये जो ग्रिप है ये बहुत वाइड है, बॉडी बिल्डिंग में किसी काम की नहीं, पावर लिफ्टर कर सकते हैं जो हैवी लिफ्टिंग करना चाहते हैं। और आपका जो फोर आर्म है ना, वो 90 डिग्री एंगल नहीं, बाहर झुका हुआ है, ये नहीं चाहिए बॉडी बिल्डिंग में। दूसरी ग्रिप जिसमें आपका फोर आर्म्स अंदरी साइड झुक जाता है, ये बहुत नैरो हो गया है, अभी भी आपका एल्बो का एंगल 90 डिग्री नहीं है। ये जो ग्रिप है ना जिसमें आपका फोर आर्म सीधा रहता है जमीन पे, यानी ये एल्बो आपकी 90 डिग्री एंगल बनाएगी, ये वाली ग्रिप आइडियल है बॉडी बिल्डिंग के लिए। आपको फुल रेंज ऑफ मोशन भी मिलेगा, पीक कॉन्ट्रेक्शन भी मिलेगा, चेस्ट आपका ज्यादा ग्रोथ कर पाएगा इस ग्रिप से। तो ये चारों चीजों पर आप काम करेंगे, आपका चेस्ट ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा। 6 से 8 ट्रेनिंग इसको अप्लाई करें और फिर रिजल्ट्स बताएं आप कमेंट करके। थैंक यू।